चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी की सेकेंड राउंड की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। एमसीसी का जो सेकेंड राउंड डिक्लेयर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही थी वो भी बताऊंगा और सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रही थी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जनरली इसमें हर बार की तरह फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम रही है और सेकंड राउंड में उससे कम रही है कट ऑफ। कुछ एक ऐसी कॉलेजें हैं, कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें फर्स्ट राउंड की बजाय सेकंड राउंड में कट ऑफ ज्यादा रही है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड के बाद में जो सेकंड राउंड की कट ऑफ रही है वो कम ही रही है। मोपअप राउंड की कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है, तो इस बार भी ज्यादा रहने की संभावना है। तो आइए अभी हम देख लेते हैं हर एक कॉलेज की कट ऑफ देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही थी डीम्ड यूनिवर्सिटी की और सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रही है। तो सबसे पहले हमदर्द की बात करते हैं। तो हमदर्द में ओपन कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 568 थी, सेकेंड राउंड की अभी 561 कट ऑफ रही है। मुस्लिम माइनॉरिटी की फर्स्ट राउंड में 527 थी, सेकेंड राउंड में अभी 517 कट ऑफ रही है। इसमें कस्तूरबा मणिपाल की फर्स्ट राउंड में 561 थी, सेकेंड राउंड में 558 कट ऑफ रही है। सिंबोसिस में फर्स्ट राउंड में 549 कट ऑफ थी, सेकेंड राउंड में 549 ही कट ऑफ रही है, यानी कि रैंक थोड़ी सी डाउन रही है, बाकी मार्क्स सेम हैं। कस्तूरबा मैंगलोर की फर्स्ट राउंड में 539 कट ऑफ थी, अभी 535 कट ऑफ है। इसके बाद मणिपाल टाटा मणिपाल की कट ऑफ 492 फर्स्ट राउंड में थी और सेकेंड राउंड में 502 रही है, यानी कि टाटा मणिपाल में हमें सेकेंड राउंड की कट ऑफ में उछाल देखने को मिला है। जेएसएस की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 482 थी, सेकेंड राउंड में 435 रही है। केएस हेगड़े फर्स्ट राउंड 472 था, सेकेंड राउंड 423 पर क्लोज हुआ है। रूरल लोनी का फर्स्ट राउंड 454 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड 452 पर क्लोज हुआ है। एसडीयू कोलार फर्स्ट राउंड 441 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड 415 पर क्लोज हुआ है। एसबीकेएस गुजरात जो वडोदरा का कॉलेज है, जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, उसकी ओपन की कट ऑफ 434 रही है, फर्स्ट राउंड में रही थी, सेकेंड राउंड में 426 रही है। जैन माइनॉरिटी की 362 फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स थे इसके, सेकेंड राउंड में 357 क्लोजिंग मार्क्स हैं। इसमें जेएलएन बेलागवी की बात करें तो फर्स्ट राउंड 432 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड 416 पर क्लोज हुआ है। अमृता फर्स्ट राउंड 431 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड 407 पर क्लोज हुआ है। कलिंगा की बात करें तो कलिंगा फर्स्ट राउंड 431 पर हुआ था और सेकेंड राउंड 449 पर हुआ है, यानी यहां कलिंगा यूनिवर्सिटी कलिंगा भुवनेश्वर में हमें 431 फर्स्ट राउंड में हुआ क्लोज हुआ था, तो इसमें हमें उछाल देखने को मिला है, सेकेंड राउंड 449 पर क्लोज हुआ है। इसके बाद में हुबली का जो नया कॉलेज था उसका जो कट ऑफ फर्स्ट राउंड का 429 था, सेकेंड का 416 रहा है। एमजेएम नवी मुंबई, सॉरी इससे पहले मैं आपको यनोपया की बता देता हूं, ओपन कैटेगरी के लिए 414 फर्स्ट राउंड थी, 390 सेकेंड राउंड में कट ऑफ रही है। मुस्लिम माइनॉरिटी 383 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, सेकेंड राउंड की 378 कट ऑफ रही है। एमजेएम वर्धा फर्स्ट राउंड 395, सेकेंड राउंड 393 कट ऑफ रही है। श्री रामचंद्रा 390 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, सेकेंड राउंड 370। इसके बाद एमएम मौलाना फर्स्ट राउंड 378, सेकेंड राउंड 344 कट ऑफ रही है। इसके बाद में भारतीय विद्यापीठ डीयू
की बात करें इसमें तो 374 फर्स्ट राउंड, 363 सेकंड राउंड की कट ऑफ रही है। आईएमएस भुवनेश्वर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 374, सेकंड राउंड की कट ऑफ 412, यानी यहां आईएमएस भुवनेश्वर में हमें उछाल देखने को मिला है और ये उछाल भी काफी ज्यादा है। इसके बाद में हम सिद्धार्थ टमकूर की बात करें, फर्स्ट राउंड 370, सेकंड 361। एमजेएम औरंगाबाद फर्स्ट राउंड 369, सेकंड राउंड 363। बीएलडी बीजापुर फर्स्ट राउंड 357, सेकंड राउंड 343। सिद्धार्था टी बैगूर फर्स्ट राउंड 331, सेकंड राउंड 314। बीवीडी सांगली फर्स्ट राउंड 279, सेकंड राउंड 251। डीआरडीवाई पाटिल कोल्हापुर फर्स्ट राउंड 274, सेकंड राउंड 263। इसके बाद राजा राजेश्वरी बेंगलार का जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ 273 रही है, फर्स्ट राउंड की थी, सेकंड राउंड की 257 क्लोजिंग मार्क्स रहा है इसका। एसआरएम चेन्नई फर्स्ट राउंड 268, सेकंड राउंड 109। इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कृष्णा कार्ड की। कृष्णा कार्ड फर्स्ट राउंड 245, सेकंड राउंड 225। इसके बाद जेएलएन वर्धा फर्स्ट राउंड 243, सेकंड राउंड 211। डीआरडीवाई पाटिल पुणे फर्स्ट राउंड 230, सेकंड राउंड 203। श्वेता चेन्नई फर्स्ट राउंड 226, सेकंड राउंड 198। दाता भागे नागपुर फर्स्ट राउंड 216, सेकंड राउंड 185। इसके बाद नवी मुंबई डीआरडीवाई पाटिल फर्स्ट राउंड 205, सेकंड राउंड 192। विनायका फर्स्ट राउंड 205, सेकंड राउंड 108। गीतम फर्स्ट राउंड 185, सेकंड राउंड 177। संतोष फर्स्ट राउंड 181, सेकंड राउंड 157। महात्मा गांधी पुडुचेरी फर्स्ट राउंड 179, सेकंड राउंड 109। वीएमकेवी फर्स्ट राउंड 177, सेकंड राउंड 114। अरुणोदयी फर्स्ट राउंड 160, सेकंड राउंड 111। चेटेंड हॉस्पिटल फर्स्ट राउंड 159, सेकंड राउंड 108। वीएलएस फर्स्ट राउंड 146, सेकंड राउंड 144। श्री बालाजी फर्स्ट राउंड 128, सेकंड राउंड 109। एसीएस फर्स्ट राउंड 112, सेकंड राउंड 119। तो यहां पर एसीएस में भी उछाल देखने को मिला है, एसीएस चेन्नई में भी इसमें यहां पर आपको 7 मार्क्स का उछाल देखने को मिल रहा है। भारत 109 फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 158। तो यहां भारत में भी उछाल देखने को मिला है, भारत मेडिकल कॉलेज में भी। श्री लक्ष्मी 109 फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 1101 मार्क्स का श्री लक्ष्मी में भी उछाल है। मीनाक्षी फर्स्ट राउंड 109, सेकंड राउंड 113, यहां पर भी 4 मार्क्स का उछाल है। श्री सत्या फर्स्ट राउंड 108, सेकंड राउंड 126, इसमें भी कट ऑफ सेकंड राउंड में ज्यादा रही है। इसके बाद श्री ललिताम इसमें फर्स्ट राउंड 108, सेकंड राउंड 104। तो लास्ट की जो कॉलेजें हैं इनमें हमें उछाल देखने को मिला है। तो ये टोटल हमारी 9 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, 9-10 यूनिवर्सिटी होगी जिसमें उछाल देखने को मिला है। जो नीचे की कॉलेजें हैं उनमें तो कम मिला है, लेकिन टाटा मणिपाल में काफ़ी उछाल है, कलिंगा में भी इसमें काफ़ी उछाल है, आईएमएस भुवनेश्वर में और भी ज़्यादा उछाल है, एसीएस चेन्नई, भारत, श्री सत्या, श्री ललिता। तो इनमें कुछ मार्क्स जो नीचे की कॉलेज हैं उनमें कम मार्क्स का उछाल है, लेकिन आईएमएस भुवनेश्वर इनमें थोड़ा सा ज्यादा उछाल है। तो ये कट ऑफ थी डीम्ड यूनिवर्सिटी की। मोपअप राउंड में कट ऑफ हमेशा फर्स्ट और सेकंड राउंड से ज्यादा रहती है, ये प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिला है।
कुछ कुछ कॉलेज ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ मोपअप राउंड में डाउन जाती है, बाकी तकरीबन कॉलेजों की मोपअप राउंड में कट ऑफ ज्यादा ही जाती है। तो इस प्रकार से आप अपना प्लान करें। बाकी एम्स की कट ऑफ मैं जल्द लेके आ रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो एम्स की कट ऑफ का ही होगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।